हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद बेस। तो जो रिसर्च मेथड की सीरीज थी उसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ दो मेथड करेंगे, छोटे छोटे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब रिसर्च मेथड की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद वीडियोज़ आएंगी CDP पर। तो आप बने रहे मेरे चैनल पर, बहुत ध्यानपूर्वक उन वीडियोज़ को आपने देखना है, अच्छे से समझना है। जो मैं कराऊंगी वहां से क्वेश्चन पक्के से पक्का आएंगे, ठीक है? तो हम फालतू का कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल के साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज हम डेवलपमेंटल मेथड के बारे में बात करेंगे एंड दूसरी तरफ हम करेंगे कंपैरेटिव मेथड के बारे में, ठीक है? तो देखिए, जो डेवलपमेंटल मेथड होता है ये काफ़ी लॉन्ग स्टडी है। मतलब इसमें जिस भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को देखा जाएगा या जिस भी इंडिविजुअल पर स्टडी की जाएगी, तो ये स्टडी बहुत लंबी होती है, लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। क्योंकि ये स्टडी कब शुरू होती है? इन्फेंसी से लेकर एक अडल्टहुड तक, मतलब बचपन से लेकर, बालक अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक ये स्टडी चलती रहती है। क्योंकि नाम देखो, डेवलपमेंटल, मतलब हर एक डेवलपमेंटल स्टेज की बात की जानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिसर्चर है वो इंडिविजुअल के हर एक स्टेजेस को ध्यान से देखता है। हर एक स्टेजेस में, चाहे वो इन्फेंसी की हो, एडोलेसेंस की हो या फिर अडल्टहुड की हो, तो हर एक स्टेजेस में इस इंडिविजुअल की क्या नीड्स हैं, क्या इसकी स्पेशलिटी है, वो ध्यानपूर्वक पढ़ी जाती है, ठीक है? तो इसकी हर एक स्टेजेस को बहुत माइन्यूट तरीके से एग्जामिन किया जाता है और इंडिविजुअल की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, दोनों चीज़ें ध्यानपूर्वक स्टडी की जाती हैं। इसी के साथ साथ इस बच्चे की या इस इंडिविजुअल की फिजिकल एंड मेंटल एंड बिहेवियरल स्टडी की जाती है कि इसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मेंटल स्टेटस कितना है एंड इसका बिहेवियर कैसा है सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए क्या इसका एटीट्यूड है। अब इन चीज़ों की जब स्टडी की जाती है तो ये एक चीज़ ध्यान में रखता है, हेरेडिटी एंड एनवायरमेंट। तो यहाँ पर जो रिसर्चर है वो इंडिविजुअल की हेरेडिटी एंड एनवायरमेंट देखता है कि हेरेडिटी एंड एनवायरमेंट ने इस इंडिविजुअल पर कितना फ़र्क डाला है, कि क्या इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर इसके पेरेंट्स से मिलती है या नहीं मिलती है, क्या इसका मेंटल स्टेटस अपने पेरेंट्स या अपने एंसेस्टर्स को मैच करता है या नहीं, क्या इसके माँ बाप जैसे बिहेव करते थे, जिस तरीके से वो सोफिस्टिकेटेड थे या क्या थे, क्या उसी तरीके से बच्चा बिहेव करता है या नहीं। सो कहने का मतलब है कि इन तीनों चीज़ों पर, हेरेडिटी या एनवायरमेंट, किसका ज़्यादा अफेक्ट आया है, ये भी देखा जाता है इस मेथड के दौरान। लेकिन इस मेथड की सबसे बड़ी डिमेरिट यही है कि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन मेरिट ये है कि एक इंडिविजुअल के बारे में बहुत ही माइन्यूट तरीके से हर चीज़ पता चल जाती है, उसकी उस इंडिविजुअल की कमियां भी पता चल जाती है, उस इंडिविजुअल की विशेषताएं भी पता चल जाती हैं। सो बहुत अच्छी एक ये स्टडी कह सकते हो, लेकिन ये बहुत दीर्घ होने के कारण इतनी ज़्यादा ये जो है प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव। जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाएगा या एक एज को दूसरी डिफरेंट एज के साथ कंपेयर किया जाएगा या फिर एक रिच बच्चे को पुअर जो बच्चा है या जो पुअर स्टूडेंट है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। मतलब एक बच्चा रिच फैमिली में पैदा हुआ है, एक पुअर फैमिली में पैदा हुआ है, उनकी स्टडी की जाएगी, उनको कंपेयर किया जाएगा, या फिर एक बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, एक एवरेज सा है, उनके बारे में स्टडी की जाएगी, उनको कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सारी स्टडी कंपेयर में की जाती है, ठीक है? तो सारी स्टडी कंपेयर में करने के बाद फिर बाद में रिसर्चर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता चलता है और जहाँ पर कोई रेमेडीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पर फिर रेमेडीज़ भी दे दी जाती हैं, ठीक है? तो बस यही दो छोटे से मेथड थे। अब कल से हम बात करेंगे CDP पर। बहुत ही ध्यान से आपको वो सारी सीरीज़ देखनी है। जो भी आपके डाउट होंगे वो लाइव सेशन एंड MCQs में आपके जो डाउट्स हैं वो ले लिए जाएंगे। दिस इज प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।